आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मेरठ जाएगा, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में सपा के 9 नेता शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नेतृत्व में जाएगा प्रतिनिधिमंडल। तो इस तरह से हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए मंडल जाएगा। ब्यूरो चीफ हमारे साथ के शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। शर्मा, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने बजे प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचेगा, दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेगा? करीब करीब 11 बजे पहुंचने की संभावना इस 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की है, जिसको अध्यक्षता राम गोविंद चौधरी करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है उन सब पीड़ितों से उनके आवास पर भी मिला जाएगा। जो आवास पर नहीं मिल पाएंगे वो सर्किट हाउस पे आ सकते हैं। साथ ही साथ शायद अखिलेश यादव ने एक ये भी फरमान जारी किया है कि इनको चेक भी वितरित किए जाए। 5 चेक यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से 1 चेक पे त्रुटि है, उन चेकों को भी इन आश्रितों को दिया जाएगा, जिससे ये आगे अपने जीवन को चला सके। करीब करीब 1 लाख रुपए तक की चेक ये हो सकते हैं। अभी इस बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन सभी क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था 20 दिसंबर को। वहां की स्थिति देखेंगे, जो लोग मरे उनकी आर्थिक स्थिति पता करने की कोशिश करेंगे, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली है या नहीं। जी, यानी कि शर्मा, सपा भी अब कांग्रेस के निशानों पर चलती हुई, कांग्रेस से कहीं ना कहीं सीख लेती हुई, और एक डर सपा के अंदर कि कहीं ये सहानुभूति सारी कांग्रेस ना ले जाए, जिस तरह से प्रियंका गांधी तमाम स्थानों पर जा रही है, दंगा पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। इसी के तहत अब अखिलेश यादव ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर पिछले 15-20 साल की राजनीति देखी जाए तो जो कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम समाज, उस पर कहीं ना कहीं सपा ने कब्जा जमा लिया है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी है, जिस तरीके से वो आश्रित परिवारों से मिल रही है, उनके आंसू पूछ रही है, उनके बच्चों को गोदी में उठा रही है, उससे कहीं ना कहीं सपा खेमे में खलबली जरूर है। और शायद उसी के परिपेक्ष ये सब लोग चेक लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। 9 प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें स्थानीय नेता अतुल प्रधान भी शामिल हैं। सपा के आज 9 सदस्य ये प्रतिनिधिमंडल तकरीबन 11 बजे के आसपास वहां मेरठ पहुंचेगा, दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेगा। शुक्रिया आपका के शर्मा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।